जी, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है वुमनहुड, आई थिंक मेरा जो किरदार है आजकल की हर इंडियन लड़की के ऊपर, आई थिंक माय कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एवरी इंडियन गर्ल इन टुडेज टाइम्स. आजकल लड़कियां ऐसे हमें अपब्रिंगिंग ही ऐसे दी जाती है कि हम एजुकेटेड हैं, हमारी फैमिलीज हमें इनक्रेज करती है ज़्यादा पढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए. तो आई थिंक जो भी इनजस्टिसेस हमारे साथ होती थी पहले, वो आजकल कोई भी लड़की सहती नहीं है. इनफैक्ट शी फाइट्स बैक. सो आई थिंक हमारी जो स्टोरी है इज़ अबाउट फाइटिंग बैक, इज़ अबाउट जो इनजस्टिसेस होते हैं विमेन के साथ, या इनफैक्ट सभी के साथ, जो भी छोटी छोटी ट्रेडिशंस कस्टम्स हमारे हैं इंडियन समाज में. तो एक ऐसा कस्टम है जिसके ऊपर हमारी फिल्म फोकस करने वाली है, एंड हाउ दिस कपल फाइट्स बैक. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट वुमनहुड इज़ ऑल अबाउट. एंड मेरा जो किरदार है, एज आई सेड, इट रिप्रेजेंट्स एवरी एजुकेटेड फॉरवर्ड थिंकिंग इंडियन वुमन. तो एज वी ऑल नो इट्स टाइटल्ड एज वुमनहुड, इट्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमन. तो जैसे कि अक्षा ने कहा कि देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन अवेयरनेस, और कुछ कुछ हिस्से हैं आज भी हमारे देश में जहाँ कुछ टिपिकल कस्टम्स प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो ये उन्हीं कस्टम्स में से एक कस्टम के ऊपर ही मूवी है, जो कि जो भी इनजस्टिस हो रहा है वुमेन के खिलाफ उसको एड्रेस कर रहा है ये मुद्दा, उसको एड्रेस किया जाएगा इस मुद्दे को. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स अ लव स्टोरी विच स्टेट्स दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम किस परिवार से हो या तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो. लव इज़ लव एंड रिस्पेक्ट इज़ रिस्पेक्ट. सो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, लव एंड द न्यू फेज ऑफ द न्यू जनरेशन, दैट इज़ 2020. ऑनर किलिंग के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, बट एज आई सेड के जैसे कि हमारे जितना कलरफुल, जितना कल्चरल हमारा देश है, एज आई सेड पहले भी कि कुछ ऐसे हिस्से हैं हमारे देश में जहाँ पर कुछ बहुत पुराने ज़माने के प्रैक्टिसेस अभी भी होते हैं जो अभी के ज़माने में इनफैक्ट कभी भी वैलिड नहीं थे, लेकिन आजकल हम ज़्यादा अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर. एंड आई थिंक आज का with the kind of attitude that the youngsters have today, nobody will take it, nobody will bear any injustice that happens to a woman or to a man. So I think the story is about fighting back. The story is about ye aisa bhi nahi humne dikhaya hai ki ye experience ho raha hai aur in log bhag rahe hai us cheez se, they are fighting back. Ye iske wajah se aapko guns dikh rahe hai, katte dikh rahe hai, sab jo bhi aapko cheeze dikh rahi hai, it's about basically fighting back. I think it's a great time for women, and people are taking what women say very seriously. So I think mere liye as an actor, it is going to be very challenging for me to portray this character, and I feel it's a responsibility. Aap jab ek aisi ek custom aur ek tradition aap dikha rahe hain film mein, to I think it's very important ki hum kisi ko bhi hurt na kare aur kisi ko bhi ye na dikhaye ki aap jo kar rahe hain, मतलब किसी के भी सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं करना चाहते, बट ये भी हम दिखाना चाहते कि ये जो चीज़ें हो रही है, इट्स टाइम दे एंड. तो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक इट्स अ स्मॉल एफर्ट टू ब्रिंग इट आउट टू लाइट. सिंस आई हैव डन प्यार का पंचनामा 2, सो वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वाज दैट. इट वाज अ मार्वेलस स्टोरी, एंड अबाउट दिस फिल्म इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट. सो दैट वाज अ कंप्लीट rom-com genre film, and this is a complete commercial love story film which also puts across a very beautiful message towards the rights of the women. To aur aaj ke zamane mein har koi actor acha content karna chahta hi hai, to bas jaise maine uska title suna aur title sunne ke baad jab story suni, I was like I have to do this movie. Aisa kuch nahi hai, I think south industry is very 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 professional in terms of the times, and shayad uski wajah se maine wahan par itna kaam kiya hai, to I think mere mein bhi wo qualities aa gayi hai, time pe pahunchna, time pe, I think those things are just now just in built in me. Lekin yahan par I have noticed ki koi bhi time pe nahi aata, ना चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर ड्रेसर हो, या कोई भी हो, नोबडी कम्स ऑन टाइम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक बोथ दी इंडस्ट्रीज़ आर रियली रियली इवॉल्विंग. जैसे कि इन्होंने कहा कि कंटेंट बहुत ही अच्छा बन रहा है साउथ में भी, इधर भी, तो एज एक्टर्स वी वांट टू बी पार्ट ऑफ गुड कंटेंट. एंड